नमस्कार दोस्तों, मैं मिसलेनियस मास्टर फिर से हाजिर हूँ अपने एक नए वीडियो के साथ। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देख सकें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में रूल 38 का जो यूपी सर्कल का है उसका लिस्ट आ चुका है। जिन लोगों का ट्रांसफ़र एकोमोडेशन अप्रूव हुआ है उन सबका लिस्ट आ चुका है। जैसा कि ये आप लिस्ट जो देख रहे हैं 29 नवम्बर 2019 का लिस्ट है यूपी सर्कल के लिए। तो इसमें जिन जिन लोगों का अप्रूव हुआ है उन सबका नाम है और कौन सा डिवीज़न से कहाँ जा रहे हैं, सर्कल कौन सा मिला है, वो सबका डिटेल्स है। मैं अब बारी बारी करके आपको दिखा दे रहा हूँ नीचे का पेज भी। जैसा कि यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले आगरा रीजन का दे रखा है यूपी सर्कल में। तो यहाँ पे सब जो है आउटवार्ड लिस्ट दे रखा है, पोस्टल असिस्टेंट, जितने पोस्टल असिस्टेंट आगरा से आउटवार्ड जा रहे हैं उनका डिटेल्स है। जैसे कि ये आगरा डिवीज़न से ग्वालियर डिवीज़न एमपी में जा रहे हैं, इनका कब ज्वाइन किया डिपार्टमेंट को दे रखा है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था, इनका कैटेगरी क्या है और कोई एक्सचेंज आया है उसके बारे में डिटेल्स दे रखा है, अगर कुछ स्पेशल है तो वहाँ पे मार्क किया गया है। तो ऐसे करके सबका कैटेगरी है, ज्वाइनिंग उनकी कैसी है, प्रमोटी है, आउटसाइडर है या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ज्वाइनिंग डेट क्या है, कौन सा डिवीज़न है और वो कहाँ पर जा रहे हैं। तो इसमें से आउटवार्ड में ग्वालियर जा रहे हैं भरतपुर डिवीज़न राजस्थान के लिए, कानपुर सिटी डिवीज़न जा रहे हैं आगरा से, एक भोपाल डिवीज़न के लिए है मंजू तिवारी का, ऋषि जायसवाल है रायबरेली डिवीज़न के लिए, रोहित सोनी का है ग्वालियर डिवीज़न के लिए, ऐसे करके है। उसके बाद सेकंड में है अलीगढ़ डिवीज़न, अलीगढ़ डिवीज़न के लिए भी सारे जो पोस्टल असिस्टेंट है उनका ही डिटेल्स है। जैसे कि ये कोई स्पेशल है स्पाउस इन स्टेट गवर्नमेंट सर्विस, जैसे कि ये आशीष कुमार वर्मा जो है ये लखनऊ डिवीज़न जा रहे हैं, ये अपने स्पाउस कोटा पे जा रहे हैं, स्पाउस इनकी वर्किंग है वहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट जॉब में इसलिए। उसके बाद आता है बुलंदशहर डिवीज़न के लिए, सारे जितने भी अभी लिस्ट दिख रहे हैं सारे पोस्टल असिस्टेंट के लिए हैं। जैसे कि अभिषेक वर्मा है बुलंदशहर से लखनऊ सीतापुर, इतने सारे डिवीज़न मांग रखे हैं कि इसमें से जो डिवीज़न मिल जाए, और इनका जो कैटेगरी था वो ओबीसी था, बस सेलेक्ट इन अगेंस्ट यूअर कैटेगरी है, तो इसलिए रिमार्क कर दिया गया है यहाँ पर। और सरिता बैसवार जो है ये भी लखनऊ या फैजाबाद डिवीज़न मांगा है, इन्होंने भी स्पाउस इज पोस्ट रायबरेली एच ओ इन डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, जो इनका हस्बैंड है वो भी पोस्ट ऑफिस में ही रायबरेली में पोस्टेड है, इसलिए वो नियर में अपना पोस्टिंग मांगा हुआ है स्पाउस ग्राउंड पे। जितने लिस्ट है इंट्रा सर्कल और इंटर सर्कल दोनों को इंक्लूड कर दिया गया है, जो बाहर जा रहे हैं और जो बाहर सेम सर्कल में है डिवीज़न चेंज करवाना उन दोनों का ही लिस्ट है। जैसे कि अनमोल सक्सेना है ये एटा में है और ये 2010 बैच के हैं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, ये विशाखापट्टनम डिवीज़न जानना चाह रहे हैं, स्पाउस वर्किंग इन इंडियन नेवी एट विशाखापट्टनम, कि वाइफ जो है इंडियन नेवी में विशाखापट्टनम है इसलिए वो विशाखापट्टनम ट्रांसफ़र अप्लाई किया हुआ है। वैसे ये पटना के लिए है सुधांशु कुमार है जो कि पटना डिवीज़न बिहार के लिए अप्लाई किए हुए हैं। तो ऐसे करके आउटवार्ड रजिस्टर एटा से जो है उन लोगों का ये डिटेल दे रखा है। अनूप कुमार शुक्ला है जो कि नागपुर महाराष्ट्र सरकार के लिए अप्लाई किए हुए हैं। मैं एक चीज़ यहाँ बताना चाहूँगा कि जो लोग यूपी से या बिहार से हैं और वो लोग कहीं बाहर जा रहे हैं, मतलब जैसे कि ये आंध्र प्रदेश हैं, ये महाराष्ट्र जाना चाह रहे हैं, तो ये लोग अगर कोशिश करते थोड़ा सा तो इनको म्यूचुअल मिल जाता, क्योंकि इन सब स्टेट्स में बहुत सारे यूपी से बिहार से बचे गए हैं जो कि ट्रांसफ़र के लिए विलिंगनेस है लेकिन उनको म्यूचुअल नहीं मिल पा रहा है, तो वो लोग डायरेक्ट रूल 38 ट्रांसफ़र सोच रहा है अप्लाई करने को। तो अगर ऐसे कोई हो तो वो लोग कोशिश करें कि उनको म्यूचुअल मिल जाए, क्योंकि ईजिली मिल जाएगा इन सब स्टेट से, आंध्रा से भी और महाराष्ट्र में बहुत सारे यूपी से बिहार से बच्चे ज्वाइन किए हैं, वो लोग सब वहाँ पर ट्रांसफ़र लेके आ सकता है अगर उनको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए तो। तो वो लोग कोशिश करें थोड़ा सा अपना म्यूचुअल ढूंढने के लिए, तो एक तो उनका होगा कि सीनियरिटी भी उनकी बननी रहेगी और इजीली ट्रांसफ़र भी हो जाएगा, दोनों का ट्रांसफ़र हो जाएगा अपना मनचाहे जगह पे। उसके बाद से मैनपुरी डिवीज़न के लिए ये सारे लिस्ट जो है मैनपुरी का है। मैं यूपी सर्कल थोड़ा बड़ा है तो इसलिए ज़्यादा लिस्ट भी आया है इसमें कैंडिडेट लोगों का। बहुत सारे केस हैं जहाँ पर स्पाउस ग्राउंड पर लोगों ने ट्रांसफ़र मांगा है, स्पाउस वर्किंग डिपार्टमेंट पोस्ट इन मुरादाबाद, ऐसे ही करके सारे लोग स्पाउस बैंकिंग स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र मांग रखा है और उसको कंसीडर भी किया गया है। मथुरा के लिए सारे नाम है, सब पोस्टल असिस्टेंट ही हैं जो मथुरा में है, वो लोग अलग अलग डिवीज़न जहाँ पे मांगा है वो लोग जा रहा है। वैसे ही ये झांसी के लिए है, झांसी डिवीज़न का आउटवार्ड है। उसके बाद अब बरेली रीजन शुरू हुआ, वो अभी तक जो था आगरा रीजन था, अब ये बरेली रीजन शुरू हुआ है। तो बरेली रीजन के
पहले बरेली रीजन में ही आउटवार्ड कितने लोगों का है, जैसे आलोक चंद्रा हो गया, शत्रुघ्न सिन्हा हो गया, ये लोग जैसे शत्रुघ्न सिन्हा बरेली डिवीज़न में है, 2006 बैच के हैं, पटना डिवीज़न जाना चाहते हैं, पटना सिटी, नालंदा, ये सारे मांग रखे इसमें से जो उनको मिल जाए। वैसे ही ये छपरा डिवीज़न बिहार सर्कल जाना चाहते हैं, आलोक चंद्रा जो है 2011 बैच के हैं, नितेश कुमार हैं लखनऊ GPO या जाना चाहते हैं, लखनऊ डिवीज़न जाना चाहते हैं, तो ऐसे करके सबका दे रखा है जो लोग जहाँ पे बरेली से जाना चाह रहे हैं। उसके बाद बिजनौर है, बिजनौर के बाद यहाँ पे बदायूं डिवीज़न का ये डिटेल्स दे रखा है। उसके बाद है हरदोई डिवीज़न है, हरदोई से जो पोस्टल असिस्टेंट अलग अलग डिवीज़न में जाना चाह रहे हैं उनका डिटेल्स है। ज़्यादातर जो है वो सिर्फ डिवीज़न चेंज करवा रहे हैं, उनका सर्कल उत्तर प्रदेश ही हो रहा है, कुछ ही हैं जो कि बाहर के सर्कल में जा रहे हैं, जैसे कि इसमें भी मैं देख रहा हूँ सिर्फ उन लोगों का डिवीज़न चेंज हो रहा है, सर्कल सेम ही है। ये जो है मेरठ डिवीज़न से लोग जो आउटवार्ड जाना चाह रहे हैं उनके सारे लिस्ट हैं। मेरठ से भी एक शैलेश कुमार श्रीवास्तव हैं, क्योंकि पटना डिवीज़न, नालंदा डिवीज़न या गाजीपुर डिवीज़न मांग रखा है। अलग अलग डिवीज़न का सबका दे रखा है, मैं दिखा देता हूँ, नीचे में कुछ सॉर्टिंग असिस्टेंट का भी होगा, मैं वो भी कोशिश करूँगा आपको दिखाने के लिए। ये सारे अभी जो भी दिख रहा है ये सारे पोस्टल असिस्टेंट का ही दिख रहा है नाम, अभी इसमें MTS और पोस्टमैन उन सबका भी डिटेल्स दिया गया है, मैं आगे आपको दिखाता हूँ लिस्ट में। ऐसे ही अभी ये आउटवार्ड रजिस्टर MTS कैडर के लिए शुरू हो गया, जो लोग MTS में वहाँ पे है अलग अलग जगह पर, जो लोग ट्रांसफ़र अप्लाई किया है उन सबों का डिटेल्स यहाँ से आना लग गया। ये पोस्टमैन कैडर हो गया, पोस्टमैन के लिए जो राम सिंह है ये बुलंदशहर से एटा जाना चाह रहे हैं, ऐसे करके सब पोस्टमैन जो भी हैं वहाँ पे वो लोग अलग अलग डिवीज़न के लिए अप्लाई किए हुए उनका डिटेल्स है। गोरखपुर रीजन गाजियाबाद डिवीज़न से कौन कौन लोग हैं जो जाना चाह रहा है बाहर, तो ये करके MTS पोस्टल असिस्टेंट और पोस्टमैन के जो UP सर्कल से जिन लोगों ने अप्लाई किया उन सब के डिटेल्स अभी जारी किए गए हैं। ये थोड़ा सा लेट जारी हुआ है, बाकी सब सर्कल जो था वो जुलाई अगस्त तक लिस्ट जारी कर दिया था, UP सर्कल ने थोड़ा लेट जारी किया है। अब जिनका ये नाम जारी किया गया उन सब के लिए जो भी डिवीज़न है या जो भी सर्कल है वहाँ पर लेटर भेजा जाएगा इनके तरफ से, ट्रांसफ़र लेटर एकोमोडेशन के लिए, कि उस डिवीज़न में सीट खाली है कि नहीं जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं। अगर सीट खाली होगा तो उनका एकोमोडेशन अप्रूव हो जाएगा, जिनका एकोमोडेशन अप्रूव होगा उनको फिर प्लेस ऑफ पोस्टिंग के लिए नेक्स्ट स्टेज में पूछा जाएगा, और एकोमोडेशन और प्लेस ऑफ पोस्टिंग होने के बाद उनको जो पुराना डिवीज़न है वहाँ से रिलीविंग ऑर्डर मिलेगा, और नए डिवीज़न में जाके या नए सर्कल में जाके उनको ज्वाइन करना होगा। तो ये सारे लिस्ट है, जिन लोगों के पास इसका PDF चाहिए वो इंडिया पोस्ट की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, इसका PDF वहाँ पे भी अवेलेबल है, और अपना नाम चेक कर सकते हैं जो लोग अप्लाई किए हुए हैं उनका नाम मिला है या नहीं मिला है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।